और ठग ऐसे हवे में तो नहीं बोलेगा कि अगर मुझे जॉनी मिल जाए मैं उसको कहां से कहां लेके चले जाऊं। ठग ने कुछ तो देखा होगा जॉनी में, ठग हैड वेरी नाइस इंटेंशंस यार, कि जॉनी अगर एक बार आ जाए मैं उसको कहां से कहां तक लेके चले जाऊं। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई, देखोगे जॉनी जब स्ट्रीम करने आता है लॉन्डो चैट पे क्या बवाल मचता है उसके, उसकी एक अलग वॉचिंग है, वो भी महीने में एक दो बार कर ले उतना भी उसका काफी हो जाता है। एंड दैट सिंपल, वही बात कर रहा था कि जॉनी लाइक अगर इसमें होता ऐसे ट्वेल्व में तो थग हिमसेल्फ सेड ना, वो भी ऑफिशियल टूर्नामेंट आई थिंक इट वाज बीएमपीएस के टाइम पे आए थे और बोले थे कि अगर मेरे पास जॉनी होता मैं उसको कहां से कहां ले। तो जॉनी का ब्रांड वैल्यू है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। क्या जॉनी की परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक जॉनी की परफॉर्मेंस डाउन चल रही है। जॉनी कहां खराब खेल रहा है, हेलो ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मतलब स्काई स्पोर्ट्स में तो काफी अच्छा खेला है। इट वाज जस्ट दैट की टीम अच्छा नहीं खेली, बट जॉनी इंडिविजुअली तो हमेशा ही अच्छा खेलता था। बस ओनली चेंज दैट आई हैव नोटिस, लाइक आई सेड, जॉनी थोड़ा सा वो अक्षत वाले रोल में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, थोड़ा सा मतलब लास्ट सर्वाइव करता है, वो रोल थोड़ा मुझे चेंज लगा, मतलब उसके खेलने की जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी फिनिशेस तो अभी भी ले रहा है। बट टॉप ब्रांड वैल्यूज के मामले में बात करो तो आई थिंक नॉट बीजेएमआई क्रिएटर्स ब्रो, टेक्नो गेमर्स हो गए, ये लोग के पास बहुत ब्रांड्स हैं, मिथ पैट हो गए, दे आर वेरी बिग, मतलब ब्रांड वैल्यू के मामले में, समझ रहे हो। फिर मॉर्टल, स्काउट, इन सब की एक कैटेगरी आती है।